हेलो दोस्तों, फूड इज़ लाइफ में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूँ मधु, मैं फिर से आई हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ। तो दोस्तों, आजकल के गर्मियों के मौसम में घर पे क्या बनाए क्या खाए कुछ समझ नहीं आता है। तो वही डेली केयर रूटीन, वही डेली की सब्ज़ी, तो आज क्यों ना कुछ अलग बनाया जाए। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ कुरकुरी भिंडी। तो कुरकुरी भिंडी मैं कुछ अलग तरीके से बनाना बताऊंगी आपको, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो यहाँ पे मैंने 200 ग्राम भिंडी ली है, भिंडी को मैंने वॉश कर दिया है। अब भिंडी के दोनों कॉर्नर्स को काट लेंगे। ये देखिए, मैंने दोनों कॉर्नर्स को ऐसे काट लिया है। अब भिंडी को 4 पीसेस में बीच से कट कर लेंगे। सारी भिंडी को हमें ऐसे ही करना है। भिंडी को मैंने यहाँ पे 4 पीसेस में काट लिए हैं, लंबी लंबी स्लाइस में। मेरी छोटी भिंडी थी इसीलिए मैंने इसमें बीच से दो पार्ट नहीं करे हैं, मैंने लंबे लंबे साइज में मैंने 4 पीसेस कर लिए हैं। और मैंने यहाँ पे 2 से 3 टेबल स्पून बेसन डाला है। बेसन हमें ज़्यादा नहीं डालना है, मीडियम डालना है, 2 से 3 टेबल स्पून। और यहाँ पर बेसन डाल के अब मसाले ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून रेड चिल्ली पाउडर, लाल मिर्ची लिया है यहाँ पे, और यहाँ पे 1/2 टेबल स्पून हल्दी डाल दिया है मैंने, और 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, और नमक हमें अपने स्वाद अनुसार ही डालना है। जितना आप लोगों को नमक पसंद है उतना ही नमक इसके अंदर ऐड करना है हमें। नमक ऐड कर देंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे पानी डालना है। पानी हमें थोड़ा सा ही डालना है जिससे हमारा जितना भी बेसन है इसमें भिंडी में अच्छे से चिपक जाए। तो अब पानी डाल के इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। और अच्छे से हमें मैश करना है कि बेसन और भिंडी आपस में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए, जिससे जब हम इसे फ्राई करें तो वो अलग अलग ना निकले। ये देखिए, मैंने यहाँ पे कढ़ाई रख दी थी और यहाँ पे मैंने रिफाइंड ऑयल डाला है। रिफाइंड ऑयल बड़ा चम्मच लेना है, उतना ही मैंने यहाँ पे 1 से 1.5 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाला है, और थोड़ा सा जीरा, थोड़े सी अजवाइन और थोड़ा सा साबुत धनिया होता है वो डाला मैंने तड़के में। और उसके बाद मैंने यहाँ पर 1 बड़ा प्याज कटा हुआ डाल दिया। अब इसे भून लेंगे अच्छे से, हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, इसे लाइट ब्राउन करना है, सिर्फ लाइट ब्राउन ही करेंगे। ज़्यादा भून लेंगे तो जला जला टेस्ट आता है, तो टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। प्याज यहाँ पे लाइट ब्राउन हो चुका है, अब चलिए भिंडी डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने भिंडी डाल दी है, जितनी भी भिंडी हमने बेसन में ऐड करी थी। ये देखिए, यहाँ पे हमने ज़्यादा पानी नहीं डाला है तो भिंडी और बेसन चिपके हुए हैं। अगर हम ज़्यादा पानी डाल देते तो भिंडी और बेसन अलग भागता। तो ये अच्छे से मैंने इसमें भिंडी और बेसन को अच्छे से मिक्स कर लिया था तो चिपके हुए हैं। अब इसे अच्छे से चला देंगे, तेज नहीं चलाना, हल्के हाथ से धीरे धीरे चलाना है। और इसे चला के कम इसे 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे। तो अब ढक्कन बंद कर देते हैं। 3 से 4 मिनट हो चुका है। अब यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून आमचूर पाउडर डाला है। अगर आपके घर में आमचूर पाउडर ना हो तो आप इसमें लेमन जूस, नींबू भी डाल सकते हो, या चाट मसाला भी ऐड कर सकते हो। आमचूर पाउडर है तो वो भी डाल सकते हो। अब मैंने आमचूर पाउडर डाल के इसे चला दिया है। अब इसे 3 से 4 मिनट तक और पका लेंगे। अब भिंडी अच्छे से पक चुकी है, 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। ना हमारी भिंडी ज़्यादा जली है और बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी क्रिस्पी पक चुकी है यहाँ पे हमारी भिंडी। तो भिंडी बनके तैयार हो चुकी है। दोस्तों, आप लोगों को मेरी कुरकुरी भिंडी रेसिपी पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं फिर से आऊँगी एक न्यू रेसिपी के साथ। अभी के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।